सकता है इस। और ये देख, क्रीज बिल्कुल नहीं है। 10:28 हो रहे हैं यार, कितनी देर का हमने मेकअप किया है। नो फिल्टर, तो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप? तो रात के 10:30 हो चुके हैं और हमने मेकअप 5 बजे का किया हुआ, यानी कि 5.5 घंटे तक मेकअप में कोई भी क्रीजिंग नहीं आई है, सिर्फ एक ब्लश तो उड़ गया क्योंकि हमने ब्लश बहुत लाइट लगाया था। पर आप देखें कितनी अब भी स्मूथनिंग दिख रही है फेस पे, बिल्कुल भी क्रीज नहीं है और हमने पाउडर भी लगाया है। तो यही एक अच्छे मेकअप की पहचान है। यदि आपको इस तरह का मेकअप करना देखना है तो चलिए वीडियो को आगे तक देखते रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फेस वॉश क्या मैंने एनीए का है, ये स्किन केयर, ये मेरे को ब्रांड ने भेजा था बार्टर कैंपेन के लिए। फिर हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे क्योंकि चेहरे को धोने के बाद एकदम हमको उसको मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए। तो मैं यहाँ क्लिनिक का लगा रही हूँ ये मॉइस्चराइजर, और उसके बाद हम बालों को सेट करेंगे। इतना ये हमारे फेस पर अच्छी तरह से रम जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब तो हमने इतनी क्वांटिटी ली है और इसको अच्छी तरह से लगाएंगे। मैंने टोनर नहीं लगाया है, मैं सर्दियों में टोनर नहीं लगाती हूँ, ना रोज वाटर लगाती हूँ ना टोनर लगाती हूँ। गर्मियों में लगाती हूँ मैं, क्योंकि सर्दियों में मुझे महसूस नहीं होता कि टोनर लगाने की जरूरत हो मेरे फेस पर। इसलिए अब मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ फेस वॉश के बाद। इसको अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे हम मॉइस्चराइजर से, जिससे कि पूरी तरीके से हमारी एक एक रोम छिद्र के अंदर समा जाए और फिर हमारा एकदम मेकअप बढ़िया हो लगे। ये मेरे को काफी अच्छा लगता है क्लिनिक का, बिल्कुल लाइट वेटेड है। ऐसा नहीं कोई चिपचिप हो इसके अंदर या थोड़ा हैवीपन हो इसके अंदर, कुछ नहीं, बिल्कुल लाइट वेट। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हमने लगाया नहीं और हमारा फेस पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो जाता है इससे। मुझे काफी पसंद आया ये क्लिनिक का। देखिए मैं अंडर आई ऑयल या क्रीम नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो काजल लगाती हूँ ना फिर फैल जाता है वो, चाहे मैं कितना भी फिर कुछ कुछ करके उसको बचाऊं लेकिन फिर भी फैल जाता है। तो इसलिए मैं कोई अंडर आई कोई ऑयल या क्रीम नहीं लगा रही हूँ मैं। ये बॉडी क्रीम है जिसको मैं अपने हाथों पर लगा रही हूँ और फिर पैरों पर भी लगाऊंगी, क्योंकि उससे फुटवेयर अच्छे लगते हैं पहने हुए। मॉइस्चराइजर लगा होता है ना पैरों पर तो अच्छे लगते हैं, इसको मैं अच्छी तरह से अपने हाथों पर लगाऊंगी। ये भी मेरे को ब्रांड ने भेजी थी कैंपेन के लिए, बाटर कैंपेन के लिए। दिखा देती हूँ मैं कौन सी ब्रांड की, ये FSAS की, FSAS की बॉडी क्रीम। तो सबसे पहले हम हेयर को डिटेंगल कर लेंगे। मुझे सबसे अच्छा लगता है सैम्फिका है कॉम्ब, हेयर को डिटेंगल करने के लिए बहुत बढ़िया है ये। और मैंने इसमें सीरम लगा लिया है स्ट्रिक्स का, दिखा देती हूँ मैं आपको 1 मिनट रुकिए। 1 घंटे पहले लगा चुकी हूँ मैं स्ट्रिक्स का ये सीरम, क्योंकि इससे जो मेरे बाल उलझे रहते हैं तो उनको डिटेंगल करने में बिल्कुल आसानी रहती है। ऊपर से कॉम्ब भी हेल्प करता है, इस तरह के कॉम्ब चौड़े दांतों वाले होते हैं ना, सैम्फिका है बहुत अच्छा है ये ब्रश, ब्रश नहीं कॉम्ब। मेरे को आता तो है नहीं कोई हेयर स्टाइल, पर मैं कर लेती हूँ जैसे मुझको आता है। तो मैंने गर्म करने रख दिया था, तो देखते हैं इससे थोड़ी मैं कर्ल कर लेती हूँ अपने बालों को इससे, क्योंकि मुझे कर्ल ही अच्छे लगते हैं, स्ट्रेट मेरे ऊपर अच्छे नहीं लगते हैं। क्लिप व्लिप पता नहीं अब कहाँ पड़ी होंगी, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी मैनेज नहीं रहती हैं, क्योंकि जगह इतनी नहीं है कि एक जगह एक ही सारी चीज़ों को रख लूँ अलग अलग। तो ऐसे रखा, ऐसे करा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ पैसे बचाने की अपने घर में क्योंकि बाहर जाओ तो 1000 रुपए ले लेते हैं हेयर स्टाइल के, कम से कम सिंपल के लिए। सिर्फ ये जो कर्ल कराने के ही 1000 रुपीज ले लेते हैं, जिसमें कि एक्सेसरीज हमारी होती है। तो मैं सोचती हूँ थोड़ा सा बचा लेते हैं, वैसे मुझे आते नहीं है हेयर स्टाइल। ऊपर से मेरे बाल भी ज़्यादा लंबे नहीं है, ये ऊपर से स्टेप कटिंग है, मतलब छोटे बड़े हैं कटे हुए, तो उसमें स्टाइल भी अच्छी तरह से वे तो बना ही देंगे पार्लर वाले, लेकिन मेरे से नहीं बन पाता। चलिए थोड़ी देर इसको ऐसे रखेंगे, उसके बाद धीरे से खोलेंगे। अभी टाइम क्या हुआ, अभी मैं दिखाती हूँ आपको टाइम क्या हुआ है।
तो टाइम हो गया 4:02। आप सोचोगे कि पिछला जो फंक्शन था उसमें मैंने पार्लर से कराया था। यस, पार्लर से इसलिए कराया था क्योंकि मैं मायके में गई थी तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती, रिलेटिव्स आ जाते तो हर एक रूम में सब भरे हुए थे, तो मैं कहाँ अपना ये बिछा कर बैठती अपने क्रीम पाउडर वहाँ पर, तो सब देखने लग जाते हैं क्या कर रही है। अजीब सा लगता है जब सब फेस को ताड़ते हैं, तो इसलिए मैं पार्लर में जाके तैयार हो गई थी, पर मुझे मज़ा नहीं आया। खूबसूरत वाले से कराया था मैंने। तो चलिए अब अपने घर में तो आराम से कर लेते हैं। वाह वाह वाह, देखिए देखिए देखिए, अच्छा लग रहा है ना, फिलिप्स का ही है, देखिए सुंदर है ना। अब इसके ऊपर मैं स्प्रे भी कर दूंगी जिससे फिक्स रहें, क्योंकि अभी 4 ही बजे हैं और हम घर से निकलेंगे 7 बजे के करीब, तो इतने तो ये मेरे खुल जाएंगे। चलिए अब इधर से करते हैं, धीरे धीरे ऐसे ही मैं सारे कर लूंगी। अगर मैं पूरा दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बस मैंने सिर्फ आपको इतना ही दिखा दिया। अब मैं ऑफलाइन होके सारे बाल कर्ल कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या अब थोड़ी सी अपनी कलाकारी दिखा सकूँ मैं। तो ये फिलिप्स का है, काफ़ी साल हो गए इसको, 10, 12 या 13 साल हो गए होंगे मुझे यूज़ करते हैं। तो हम ये, इसकी पैकेजिंग मैं ऐसे पैक करके रख देती हूँ। तो इसमें रोड निकालेंगे, एक रोड है और 4 अटैचमेंट है। तो मैं इसमें कर्ल वाला ले रही हूँ और ये है एक रोड है, और इसमें मैंने इसको फिट कर दिया है। और अब मैं इसका प्लग लगा देती हूँ और 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ गर्म होने के लिए। ये आपके बालों के लिए सेफ़ है एकदम। 4:25 हो गए और आधा घंटा मेरे को करीब करीब लग गया है इनको कर्ल करने में बालों को। तो मेरे पास ये है स्प्रे, सेटिंग स्प्रे है ये GAT SBI, तो इसको हम अपने हेयर पे लगाएंगे। इसको हम जिससे कि थोड़े चल जाएंगे, क्योंकि अभी तो 4:30 हुए हैं और आप देख रहे हैं मैंने जो रुके बहुत अलग है, और आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा अलग है। मैं मोस्टली इस तरह के प्रोडक्ट अपने हेयर पर नहीं लगाती, बस ये कि साल में 1 या 2 बार जो मैं फंक्शन अटेंड करती हूँ उस वक्त मैं लगाती हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने लगाया था क्लिनिक का, पूरा एब्जॉर्ब हो गया फेस पर। इसलिए कहते हैं कि थोड़ी देर पहले मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए, थोड़ा गैप देना चाहिए, उसके बाद प्राइमर और अपने अपना मेकअप स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम हाथों हाथ सब चीज़ कर देते हैं तो फिर बाद में क्रीज ऑब्वियसली हो ही जाता है आंखों के नीचे और फाइन लाइन। वैसे इसलिए मुझे अब दोबारा विटामिन दोबारा नहीं, इसलिए मुझे अब दोबारा से फिर करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया फेस पर, लग ही नहीं रहा कि मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है। तो विटामिन सी लगाऊंगी मैं अब। तो अभी तो मेरे को अपने हेयर सेट करने हैं, तो इसलिए मैं अब विटामिन सी लगा रही हूँ। ये भी थोड़ी देर लगा रहेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा मेरे फेस पर, उसके बाद देखते हैं कोई हाइड्रेटिंग प्राइमर लगाऊंगी फिर मैं। तो ये मैं इंडलजियो का विटामिन सी लगा रही हूँ, इतना मैं यूज़ कर चुकी हूँ, उसका रिव्यू मैं जल्दी दूंगी। थोड़े से लगाऊंगी क्योंकि इससे मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, आपने देखा भी होगा मैंने पहले बोला था मेरी काजर फैल जाता है। तो बहुत ही हल्का सा लगाऊंगी मैं, खासकर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरे क्रीज फाइन लाइन्स यहाँ ना क्रीज बन जाती, क्योंकि मैं हंसती ज़्यादा हूँ इसलिए। अच्छी तरह से इसको भी मसाज करूंगी फेस पर, फोरहेड पर, आंखों के नीचे, क्योंकि इतने मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊंगी इतने फ्री एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद मैं प्राइमर लगाऊंगी। तो अब हम लगा रहे हैं फेस पे मैक का प्रेप एंड प्राइम। ये सैंपल मिला था मेरे को मैक के, जब मैं प्रोडक्ट खरीदती हूँ ना तो उसके साथ सैंपल मिल जाता है, तो उनको पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद पुचुर पुचुर करके निकाला, यानी कि ख़त्म होने वाला है ये। कई बार लगा चुकी हूँ फिर भी चलो इस बार का तो निकल ही गया है, तो अच्छा है ये प्राइमर। एक तो मुझे स्मैश बॉक्स का बहुत पसंद है, देखा होगा आपने पिछली मेरी वीडियो में, मेकअप वीडियो में मैंने उसका एक तो हाइड्रेटिंग और एक ब्लर दोनों लगाए थे, या शायद एक ही लगाया था। आप अच्छी तरह से इसको अपने पूरे फेस पर लगा लीजिएगा।
सैंपल जो है 6 ml का है, और काफी बार मैं इसको लगा चुकी हूँ। कई बार मैं वीडियो नहीं बनाती क्योंकि जब मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना होता है या मेरे हस्बैंड घर में होते हैं तो मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ। इस वक्त हस्बैंड अपने ऑफिस गए हैं इसलिए मैं वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता मैं वीडियो बनाती हूँ। इसलिए तो काफी बार लग चुका है 6 ml प्रोडक्ट। देखें फिंगर से लगाते हैं, मैं ब्रश से नहीं लगाती प्राइमर। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हो। तो उसका मैं बड़ा बिग खरीदूंगी जब कोई ऑफर आएगा। वैसे अभी चल रहा है 2 के साथ 1 फ्री या 20% ऑफ। तो एक ये मेरे पास मैक की पीच लाइट है, नहीं पिंक लाइट है, ये भी सैंपल और मुझे इतना पसंद आया था तो मैंने इसका बिग बिग खरीद लिया। ये पीच लाइट है, दोनों के शेड अलग अलग हैं। इसमें गोल्डन वाला खरीदना था लेकिन वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। 6 ml है ये, और ये भी है, ये पता नहीं कितना ml है इसमें। ये 6 ml है और ये इसका बिग वर्जन है। इसको मैं जब कहीं जाती हूँ ट्रेवल साइज के लिए, ये ट्रेवल साइज है तो उसको मैं कहीं जाती हूँ तब ले जाती हूँ। घर में जब मैं होती हूँ तो मैं ये वाली यूज कर लेती हूँ, बिग वाली। इससे एक अलग ही तरह का ग्लो आ जाता है फेस पर, शाइनी शाइनी इतना अजीब वाला नहीं है पर अच्छा सा लगता है मेरे को। तो ऑरेंज कंसीलर तो नहीं लगाऊंगी, मैं ले रही हूँ मैक का ले रही हूँ मैं ये NC45 कंसीलर, क्योंकि ऑरेंज करेक्टर लगाओ ना तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लेयरिंग करनी पड़ जाती है उसको। फिर उसको परे को कंसीलर लगाओ, फिर फाउंडेशन लगाओ। इससे अच्छा मैं डार्क कलर का ले रही हूँ, मैं NC40 हूँ फाउंडेशन, और ये ले रही हूँ मैं कफ एंड लैशेस का F011 कंसीलर ब्रश। पहले मैं इसको लगा रही हूँ अपने फिंगर से। मैं मिरर में भी नहीं देख रही हूँ, मैं मोबाइल में देख कर मेकअप कर रही हूँ इस तरह से। वैसे तो उंगली से ये फिंगर से ब्लेंड हो गया है लेकिन फिर भी हम ब्रश ले रहे हैं। ये कफ एंड लैशेस का कंसीलर ब्रश है और इसको एक बार जहाँ जहाँ हमने लगाया है कंसीलर वहाँ वहाँ इसके ऊपर इसको एक बार हम फिरा देंगे, जिससे कोई लाइनें जो हो जाती है ना हाथों से लग नहीं हो पाता कभी कभी, तो वो इवनली स्प्रेड हो जाए सारी जगह। देखिए मैकअप फाउंडेशन ले रही हूँ NC40, तो थोड़ा सा लगाएंगे सिर्फ, ज़्यादा नहीं लेंगे हम क्योंकि मोस्टली हमने यहाँ तक ले लिया है कंसीलर। देखिए है ना, तो ये ले रही हूँ मैं शिशिडो का ब्रश फाउंडेशन के लिए। आंखों के नीचे नहीं लगाएंगे हम फाउंडेशन क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ कंसीलर लगा दिया है। ज़्यादा लेयरिंग करेंगे तो फिर वही दिक्कत क्रीजिंग की आ जाएगी हमारे को। तो हम आंखों के नीचे फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, मोस्टली वहीं लगाएंगे जहाँ पर क्रीजिंग की समस्या कम ही होती है, क्योंकि अभी एक ब्राइटनिंग करने के लिए भी हमें एक बार कंसीलर लगाना पड़ेगा आईज के नीचे अंडर आई। बहुत अच्छा ब्रश है ये, आप इन्वेस्ट कर सकते हो थोड़े से पैसे जोड़कर, तब आप इसमें अच्छे ब्रशेज में इन्वेस्ट कीजिएगा। लाइफ टाइम के लिए होते ही, यानी कि आपको बार बार खरीदने पड़ते हैं प्रोडक्ट, तो आपको बार बार खरीदने पड़ते हैं खत्म होने पर, लेकिन ये तो एक बार काफी रहता है। देखो कई ब्रशेज हैं मेरे 2014 से चल रहे हैं वे अब तक। एक तो ये ब्रश है ना हर कोने में चला जाता है, तो कंसीलर को सेट करने के लिए ले रही हूँ मैं के ब्यूटी का लूज पाउडर। आप बनाना पाउडर भी ले सकते हैं लेकिन आज मैं सोच रही हूँ यही ले लेती हूँ, लूज पाउडर के ब्यूटी का बनाना पाउडर। शुगर का बनाना पाउडर अच्छा है, वो यूज़ करती हूँ मैं बनाना पाउडर तो शुगर का। और अब ये मैंने लेटेस्ट मंगाया है के ब्यूटी का, तो प्रोवाड का ये AK63 ले रही हूँ मैं ब्रश, और अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ मैं। इसकी मुझे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, शुगर का जो बनाना पाउडर है उसकी मुझे पैकेजिंग पसंद नहीं है, वो मोस्टली वेस्ट हो जाता है, वो छोटी सी डिब्बी है। तो मैं ले रही हूँ एल्फ का
शेडो लॉक आईलिड प्राइमर, इसको अपनी आईलिड पे लगा लेते हैं। ब्लेंडिंग के लिए ले रही हूँ मैं पैक का 230 ब्रश। फिंगर से भी लगा सकते हैं आप। हुड्डा की न्यूड मीडियम पैलेट ले रहे हैं, स्मॉल वाली, और रियल टेक्निक्स का ब्रश ले रहे हैं हम। ड्रेस तो आपको पता ही होगी, लास्ट दो फंक्शन में जो पहनी थी मैंने वही पहनूंगी मैं, क्योंकि फिलहाल मेरे वही आ रही हैं। तो इसमें लाइट शेड ले लेंगे हम, ये वाला लाइट शेड ले लेंगे बीच में जो ये है, इसको ऑल ओवर लिड पर हम फैला लेंगे। रियल टेक्निक्स के ब्रश बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, 2014 से चल रहे हैं मेरे अभी तक, और इनका एक भी जो बाल इसका गिरा हो वॉश करते हुए या ब्लेंडिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्रोवाड का ले रहे हैं PE29, और इसी की डार्क आई शेडो ले रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम लगा रहे हैं डार्क आई शेडो, ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं करेंगे हम क्रिएट। मैंने आपको फंक्शन बता दिया किसका फंक्शन है, फंक्शन है मेरी कजन मामा की लड़की, क्या कुआ पूजन की पार्टी। कुआ पूजन तो हो चुका था, पार्टी आज है उसकी, मायापुरी है दिल्ली में, वहाँ पे लव फॉर्चूनर बैंकट में। तो इस तरह से हम आउटर वी पे लगा लेंगे हम डार्क आई शेडो। पैक का 345 ब्रश ले रहे हैं, और एक लाइट शेड लेकर यहाँ से हम इसको इवनली फिर एक क्लीन ब्रश लेके सारे में अच्छी तरह से हम उसको घुमा देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। वो इस ब्रश पे कुछ भी नहीं था, क्लीन ब्रश था। फिर हम लेंगे PE57 ब्रश, और इसमें हम लेंगे शिमर, ये जो है इधर वाला ना शिमर, ये लेंगे और इसको सेंटर पे लगाएंगे हम। आप फिंगर की हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन मुझे सब काम ब्रश से करना ही पसंद है। इनर कॉर्नर पर हमको पसंद नहीं है शिमर, मैं लगाती हूँ वहां पर मैट, लाइट मैट आई शेडो। सफोरा का ले रही हूँ मैं आईलाइनर ब्रश, और लोरियल का ले रही हूँ मैं जेल लाइनर। तो इससे बनाती हूँ मैं विंग्ड लाइनर, क्योंकि बिना लाइनर के मेरी आंखें अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसलिए हम ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ मैं सफोरा का ये ब्रश, आईलाइनर ब्रश। देखते हैं कैसे लगते हैं इससे विंग्ड आईलाइनर। तो इसके अंदर इंग्लॉट डालने की तो ज़रूरत नहीं है, वैसे ड्राई हो गया ये भी। चलिए देखते हैं, देखिए ड्राई हो गया ये। ड्राई हो जाता है ना जेल लाइनर, तो आप उसमें लगा डाल सकते हैं इंग्लॉट का ड्यूरा लाइन। अभी नायका होल गया था पिंक फ्राइडे, उसमें आप ले सकते थे उसको, डिस्काउंट था। अब दोनों विंग की जो है बराबर लगने के लिए आप इस तरह से देखिए, और ये मैंने आपके पास सीधा लगाया है,
लॉन्ग के लिए, क्योंकि मैं आगे लगाऊंगी इसमें इनर कॉर्नर भी, तो इसको भी हम ऐसे लेंगे, ठीक है। तो मैंने प्लान चेंज कर दिया, मैंने इधर इस तरह से लिया, ऐसे लिया। तो मैंने अब इनर कॉर्नर लगाने की छोड़ दी कि इनर कॉर्नर नहीं लगाऊंगी मैं, वैसे प्यारी लग रही हैं। तो मैंने जेल आइनर भी वाटर लाइन पे लगा लिया अलग से, मैंने कोई काजल नहीं लगाया क्योंकि उसके ऊपर लगा हुआ था, तो मैंने वही लगा लिया। अब मैं उसको शूट करना भूल गई। वैसे तो मैं सोची थी आईब्रो पेन ऐसे के लगा लेते आईब्रो पेन से, लेकिन इसके ऊपर काफी जेल लाइनर लगा था, तो मैंने सोचा पॉइंट जो एरिया आई है इस पर इसी को ही लगा लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो इतना वेस्ट जाएगा, ये सूख जाएगा तो वेस्ट ही जाएगा फिर ये, तो इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, है ना। और आगे की तरफ लगा लेंगे हम ब्रो पेंसिल, क्योंकि वो ये डार्क हो जाएगा यदि हम इसको आगे लगाएंगे तो, इसलिए हम इसको सिर्फ पॉइंट एरिया पे लगा लेते हैं। देखिए कितना लग रहा था ना, वेस्ट ही जाता है सारा ब्रश पे लगा हुआ। मैं ऐसे ही करती हूँ जब मैं जेल लाइनर लगाती हूँ ना, तो मैं जो ब्रश पर लगा होता है जेल लाइनर, उससे अपनी आईब्रो फिल कर लेती हूँ। तो आगे के बालों के लिए मैं ले रही हूँ एनास्तासिया की ब्रोविस पेंसिल। वैसे तो मैंने थोड़ा सा आगे भी लगा दिया था क्योंकि अब भी बच रहा है उसमें, तो फिर हम थोड़ा सा लगा लेते हैं ये थोड़ा सा, वैसे तो जरूरत नहीं है, नीचे नीचे की तरफ लगा लेंगे हम, ज्यादा नहीं लगाएंगे, लेकिन नीचे नीचे की तरफ लगा ले, हमने ज्यादा नहीं लगाई। और लेकिन हम इस पुली का यूज करेंगे, इस पुली का यूज करना चाहिए, इसे इवनली स्प्रेड हो जाएगा, कहीं कम ज्यादा नहीं होएगा। अब ले रहे हैं हम सफोरा का ही 10 नंबर ब्रश है ये, 10 नंबर ब्रश इसमस, तो ले रहे हैं हम 10 नंबर ब्रश है ये सफोरा का इसमजिंग के लिए, और ले रहे हैं हम ये वाला कलर, और इससे अपनी लोअर लैश लाइन पर इसको लॉक कर देंगे हम जेल लाइनर को। आई ब्रश तो आपको जरूर लेने चाहिए, वो भी अच्छी ब्रांड के। ले रहे हैं हम स्मैश बॉक्स और बेका का करेक्टर, मीडियम है ये शेड अंडर आईज के लिए, सेकेंड टाइम ही यूज कर रही हूँ मैं इसको यहाँ के लिए, वैसे ही मुझको पहले कर लेना चाहिए लेकिन मैं करना भूल गई, मैं भूल जाती हूँ। और ब्रश ले रही हूँ मैं पैक का 219 ब्रश, बिल्कुल पहले मेरे को ये लगा लेना चाहिए था। देखिए कितना फर्क आ गया ना इसमें, थोड़ा सा हम इस कंसीलर ब्रश से इसको स्प्रेड कर लेंगे जिससे इवनली स्प्रेड हो जाए। अब हम दो कॉम्पैक्ट पाउडर ले रहे हैं, एक तो मैक का NC42 और एक शार्लेट टिलबरी का। वैसे इन दोनों में से मुझे मैक का पसंद है, लेकिन ये थोड़ा डार्क शेड का है, तो इसलिए हम इसको लगाएंगे चीक्स एरिया पर, और बाकी शार्लेट टिलबरी को लगाएंगे हम जहाँ हमको हाईलाइट करना है। तो ये हम ले रहे हैं पहले मैक का 42 फाउंडेशन, और वो थोड़ा सा हो जाता है लोक। ब्रश भी मैक का ही है डियोर। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है 5:30। रियल टेक्निक्स का ब्रश है, शार्लोट टिलबरी का कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये थोड़ा सा लाइट शेड का है। जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं हम।
नेक्स्ट का ब्रश ले रहे हैं हम, और बॉबी ब्राउन का इल्यूमिनेटिंग ब्रॉन्जिंग पाउडर ले रहे हैं। मैं इसको एज ए ब्लश लगाती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा ही है। मैं तो इसको बिना मेकअप के ही लगाती हूँ मोस्टली, क्योंकि बहुत ही प्यारा कलर देता है, एकदम नेचुरल देता है। हंसिएगा मत, हंस कर नहीं लगाते ब्लश, नॉर्मल फेस पे लगाते हैं। ब्रॉन्जिंग पाउडर ले रहे हैं हम, होला कैरामेल बेनिफिट का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बेस्ट लगा है मेरे को अभी तक ये। थोड़ी सी नोज को भी कॉन्टोर कर लेते हैं इसी से ही। मस्कारा कौन सा यूज करें, मेबलिन का हाई स्काई या टू फेस्ट का बेटर देन सेक्स, दोनों में से कौन सा अच्छा है? ये तो मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ, ये वाला ट्राई करते हैं, मैंने ज्यादा यूज नहीं किया ये। फॉल्स नहीं लगाएंगे, मेरे को डर लगता है। मैक का मेरे पास थोड़ा सा ये है फिक्स एंड जो भी है प्रेप एंड प्राइम का, छोटा सा नूना सा, तीसरी बार लगा रही हूँ मैं ये, और अभी इतना बच रहा है। बालों के मैंने छोटे इसलिए पहने क्योंकि बाल खुले रखने तो दिखेगा तो है नहीं, इसलिए मैंने झुमके वगैरह जो ऐसे होते वो नहीं पहना, मैंने दूसरी लाइट जला लेती हूँ, अंधेरा दिख रहा है। तो मैंने ये शिमर जो लगाया है इनर कॉर्नर पे, ये है एले कलर्स का डे टू नाइट व्हाइट वाला लगाया है मैंने, और मैंने बाल ऐसे लगा लिए ये, और कंगन ये पहन लिए मैंने, ठीक है। लिपस्टिक लगा रही हूँ मैक की रूबी वो, तो ये हमारा है फाइनल लुक, और आपको कैसा लग रहा है? फिनिशिंग देखिएगा, ब्लेंडिंग देखिएगा सब चीज़ की, यदि आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमको बता सकते हैं। तो फाइनल लुक है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा हमको। कोई फिल्टर यूज़ नहीं हुआ है इसमें, MI प्रो है ये, 11 प्रो उसका मोबाइल का कैमरा है ये, कोई फिल्टर नहीं है। देखिए किस तरह का आपको मेकअप लग रहा है, जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, तारीफ करने तो तारीफ भी कर दीजिएगा। तो ये हमने इंस्टा रील बनाए थे, म्यूट कर दिया है कॉपीराइट्स के कारण, आप मेरी इंस्टा रील मेरे इंस्टा अकाउंट पर देख सकते हैं। तो अब हम क्लिक कर रहे हैं अपने छोटे बेटे के साथ लिफ्ट में, और अब हमने कैब कर ली है, मायापुरी जा रहे हैं हम, वहाँ पर है ला फॉर्चुना बैंकेट हॉल, मेरी मामा की लड़की के कुआ पूजन का फंक्शन है, तो मैं और अपने दोनों बच्चों के साथ कैब करके जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड तो जाते नहीं हैं, हम मेरे मायके के किसी भी प्रोग्राम में, आपने देखा होगा अभी मेरे भाई की शादी हुई थी पिछले साल नवंबर में, 14 नवंबर को और 30 नवंबर को कुआ पूजन और पार्टी थी, उसमें किसी भी प्रोग्राम में नहीं आए, इससे पहले भी नहीं आते थे, मतलब वे कभी आते ही नहीं मेरे मायके के प्रोग्राम में। तो मैं अपने बच्चों के साथ ही चली जाती हूँ क्योंकि रिश्तेदारी तो निभानी है, मायका थोड़ा ना छोड़ते हैं, यदि हजार नहीं जाते या इन लॉज नहीं जाते इसी लाइन पर तो आने वाला है हमारा। ये पूरे मायापुरी में इतने बैंकट है, मैं आपको सारे बैंकट दिखा रही हूँ, आप देखते जाइएगा। और ये है, मैं नाम भूल गया, फॉर्चुनर, सबके नाम भी लिखे आ रहे हैं, आप देखते जाइएगा, बड़ा मजा आता है शूट करने में मेरे ये कौन को सा है? तो सबके नाम दिए गए हैं, ये भी नहीं ये है ला आगे फॉर्चुनर वाला है, ये है ओलिवर, ये भी नहीं है लावण्य है ये, अब शायद आएगा हमारा ला फॉर्चुनर, इसके बाद ही होगा हमारा। तो वहाँ पर हम अपनी कैब को रुकवाएंगे और एंट्री करेंगे, ये रहा ला फॉर्चुना। तो यहाँ पर हमने अपनी कार कैब रुकवाई और हमने एंट्री
कर लिया रात की सेव अंदर का नजारा। अबे तो कोई भी ना आया। आ रुचि दिखा। अपने कोई नहीं आता तो हम फोटो क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि खाली उसमें फोटो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो हमने जल्दी जल्दी फोटो क्लिक कर ली है और वेंकट की भी ले ली है हमने फोटो, और हम अब खाने लगे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी खा लेते हैं क्योंकि फिर सब मिलने जुलने वाले आ जाएंगे। तो ये बिना फिल्टर की फोटोज हैं, ये देखें हम क्या क्या खा रहे हैं। तो ये मैं अपने बच्चों के साथ, अब है ये आ गई मेरी मामा की लड़की जिसका प्रोग्राम है, ये इसका नाम है लक्की। और अब फोटो सेशन चल रहा है हमारा, अभी ये चलता रहेगा। और ये है उसका बेटा जिसका फंक्शन है, कुआ पूजन जिसका हुआ था, देखो हंस रहा है। सितंबर में इसका जन्म हुआ था, तो मैं पूरा ले रही हूँ, कवर कर रही हूँ व्यू। बस अब बहुत सारे फोटोज़ मिलेंगे आपको, बहुत अब सब मेरे रिलेटिव्स मिलेंगे। ये मेरी मामा की लड़की है जिसका प्रोग्राम है, देखिए। और अब आ गए हैं मेरे भैया का लड़का ये, और ये मेरे मामा जी, और मेरे भाई का लड़का, और ये मेरी भाभी और उनका लड़का। ये मेरे मामा है, उनका लड़का बेटा बहू है, और वो मेरी मासी की बहू है। अब तो आप सब मेरे जान गए होंगे, दोनों मेरे बेटे हैं, सारे मेरे परिवार को जान गए होंगे, रोज ही व्लॉग देखते हो। और अब हम आ गए घर। दस अट्ठाईस और ये देखिए, क्रीज बिल्कुल नहीं है। 10:28 हो रहे हैं, और कितनी देर का हमने मेकअप किया है, नो फिल्टर। तो इस वक्त रात के 10:30 बज रहे हैं और हमने 5 बजे का मेकअप किया है। 5.5 घंटे तक मेकअप बिना क्रीज के चल रहा है, तो उसमें सिर्फ टेक्निक प्रोडक्ट और ब्रशेस का कमाल है सिर्फ। और ये सब एक्सपीरियंस आता है, आप एक्सपीरियंस यानी कि रोज़ आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं। और लाइटिंग भी देखें, सिर्फ जो रूम की लाइट होती है वो है, कोई रिंग लाइट वगैरह कोई यूज़ नहीं की गई है। आगे बस इंस्टा रील है जो कि बिना म्यूजिक के अपलोड की गई है कॉपीराइट्स के कारण, और पिक्स वगैरह आप देखना चाहते हो तो देखते रहिएगा। टाटा बाय, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।